गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ में हम जो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं उसके लिए कुछ एसेसरीज नीड्स होती हैं, जैसे लाइटनिंग वगैरह, स्टैंड्स वगैरह, माइक वगैरह। तो उसमें से एक मैं एक मेन पार्ट जो हमारा लाइट, रिंग लाइट को आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैंने कहाँ से परचेज करी है वो बताऊँगा, इसके क्या फीचर्स हैं, आप कहाँ से इसको ले सकते हैं वो भी बताऊँगा, और साथ के साथ चीप एंड बेस्ट एरिया जो है, जगह जो है वो बताऊँगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये LJJ45 है। LJJ45 इन द सेंस, इसका मतलब होता है ये हमारी 18 इंच की एक रिंग है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिंग आती हैं, 10, 12, 14, 18, 22। लेकिन जो 10, 12, 14 वाली जो आती हैं वो USB की होती हैं। तो USB इन द सेंस उनका जो इनपुट जो होता है, जो जो अडेप्टर चलती है, वो अडेप्टर जो होते हैं वही आपके 6 वोल्ट या 12 वोल्ट होता है, तो इनकी ब्राइटनेस जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है ये डायरेक्ट AC करंट से चलती है, इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे LJ45 के रिंग लाइट, अगर मैं इसके कवर पे दिखाऊँ तो क्या लिखा हुआ है, रिंग फिल लाइट्स लिखा हुआ है, एंड लाइट अप योर ब्यूटीज, मतलब ब्यूटीज को लाइट अप कर देगा, फिल लाइट एंड ब्यूटी स्पेस, मेक फेस ओवर। क्योंकि ये वाली जो रिंग लाइट है इसको लोग जो आपके ये ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट कोर एक्सटेंशन और मल्टी कलर टेम्परेचर, इन द सेंस कि इसके आप जो कलर है इसमें जो लाइट जलती है उसको आप कम तेज भी कर सकते हो, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। साथ के साथ इसमें मल्टी फीचर्स भी हैं। तीन तरीके की लाइट है इसके अंदर, वार्म लाइट, एक तो वाइट होती है, एक वार्म होती है, और एक नेचुरल वाली होती है। तीनों के फीचर्स इसके अंदर है। तो यहाँ पर लाइट लिखा हुआ है साइड में, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ 45 सेंटीमीटर, मतलब 18 इंच के बारे में लिखा हुआ है, 18 इंच के, मेड इन चाइना, आपको पता है सब चाइना का ही माल है। दूसरे साइड में देखे जाए तो कुछ कॉन्फिग्रेशन लिख, वो स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, स्टेपलेस डिमिंग, सॉफ्ट लाइटिंग, फ्री स्पिन एंड स्टेपलेस आपकी डिमिंग वगैरह, और कुछ लिखे हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड मतलब कहाँ कहाँ लगा सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। टाइम ना वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आपकी एक लाइक, एक वीडियो शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो बनाता हूँ। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें से हम निकालते हैं, तो इसमें से एक रिंग आती है और बॉक्स बाकी डब्बा इसको हम साइड कर देते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हो इसमें से हमें एक रिंग निकली है, रिंग को बाहर करते हैं, और कुछ इसमें एसेसरीज होती हैं जिसको हम पूरा पलट लेते हैं। एसेसरीज में एक तो हमारी मेन चीज़, मेन पार्ट जो हमारा रिंग है, जैसे आप देख पा रहे हो ये रिंग है, और कुछ इसके इसमें एक रिमोट भी आता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें रिमोट भी आता है, सारे फीचर्स आप रिमोट से कर सकते हो, मतलब सारी कंट्रोल कर सकते हो रिमोट से। और इसके जो इसके साथ में जो पार्ट्स आते हैं, मतलब जो इसके साथ अटैचमेंट आते हैं, वो तीन अटैचमेंट आते हैं आपके मोबाइल स्टैंड के, ये एक अटैचमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों के अटैचमेंट इसके साथ में आते हैं। और ये आपकी हुक है जिससे आप इसको जो रोड जो होती है, जो आपका स्टैंड होता है, उस पर आप इसको फिक्स कर पाओगे इससे। तो ये आपकी लाइट है, आपकी 18 इंच की लाइट है, ये आपकी 18 इंच की लाइट है। और इसके अगर मैं बैक साइड जाऊँ, पूरी सिलिकॉन से बनी हुई है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस लाइट इसकी। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइट योर ब्यूटी 18 इंच, मॉडल लिखा हुआ है, और टेम्परेचर लिखा हुआ है AC वोल्ट पे चलती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ब्राइटनेस है अच्छी है, तो AC वोल्ट पे चलती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल है, सिंगल है, गोल सर्कल रिंग इसलिए बोलते हैं, सारे कंट्रोल हैं, और वही सारे जो है टच में है, ये सारे टच में, माइनस प्लस मतलब आप ब्राइटनेस को कम तेज कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसे चेंज कर सकते हो, और ये ऑन ऑफ के लिए आपके यूज़ है। और यहाँ पर जो मैंने बताया, जैसे आपको तीन स्टैंड मिले हुए हैं, तो ये आप तीनों के तीनों यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, मतलब तीन फ़ोन एक साथ आप लगा सकते हो, और एक फ़ोन आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो इसमें चार पॉइंट होते हैं, तीन मिलते हैं लेकिन इसके साथ में। और यही सारी चीज़ें आप दूर से जाके नहीं, पास से जाके नहीं, दूर से भी कंट्रोल कर सकते हो बाय द रिमोट। दूसरी चीज जो इसके साथ में आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। ये बॉक्स है इसका, दिखाता हूँ, ये इसका बॉक्स है, ये इस बॉक्स के अंदर बात की जाए तो इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये स्टैंड मिलता है। और स्टैंड की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, बहुत सॉलिड है, बहुत हैवी है। अगर मैं इसका वेट बताऊँ तो आप अप्रोक्सीमेट इसका 5 kg से ऊपर का वेट होगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम सॉलिड है। इसमें भी यह करीब 9 फीट के आसपास आपका पूरा खुलता है, क्योंकि जो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं
मैंने ऑनलाइन की रेट भी दिखाऊंगा आपको, मैं आप ऊपर पिंग करोगे या इसके आगे मैं आपको शेयर कर दूंगा जब वीडियो में अपलोड करूंगा, तो इसमें आपको वो भी मिलता है, क्या नाम है, ऑनलाइन मिलेंगे, बट ऑनलाइन के प्राइस और जहाँ से मैं लेकर आया उसके प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और इसमें ये नो वाइट के, जैसे ये ब्रांडेड है, ओम इम्पल्स लाइट स्टैंड है ये, नो फिट पूरा खुलता है अच्छे से। इसके जो ये पिंग दिए हुए ये भी अच्छे दे रखे हैं, सॉलिड हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगा सॉफ्ट बने हुए हैं, अच्छे हैं, ये देख रहे हो सॉलिड है, स्प्रिंग के साथ में लगे हुए हैं। तो ये मैं एक बार पूरा आपको तैयार करके लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कैसे आपको लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिंग की और ये इसका स्टैंड है, ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड जो है पूरा 9 9 फिट का है। तो हम मैं आपके सामने इसको पूरा इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है और कैसे इंस्टॉल्ड होगा, और वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, और लास्ट में बताता हूँ इनका प्राइस क्या है और आपको कहाँ से ले सकते हो। वैसे मैं गाजीपुर से हूँ और मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। इसमें आप इसको यहाँ से खोल सकते, यहाँ से खोलोगे बस लाइक दिस, इसे आप थोड़ा यहाँ से लूज कर दो, इजीली हो जाएगा। अब देख, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसका नीचे का बेस आपको जैसे दिखाई दे रहा है, नीचे का ये पूरा बेस है इसका, और इसमें ये ऊपर तक दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा मैं पीछे करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको पीछे ले जाता हूँ जिससे आपको पूरा दिख जाएगा, है ना। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे ये इसका नीचे का बेस हो गया, ये इसका नीचे का ये बेस, बेस आप पूरा खोल सकते हो। मैंने यहाँ से जैसे इसको ओपन किया था ये, और इसको आप जितना चाहो और कर सकते हो, मैंने अभी छोटा किया है। तो ये इसकी हाइट, ऐसे मैंने आपको बताया कि मेरा स्टैंड है, तो इस स्टैंड को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कैसे इंस्टॉल होगा पूरा का पूरा सेटअप। तो जस्ट लाइक आप पहले इसको खोलना है, तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। और वैसे इसकी जो मैंने हाइट बताई थी आपकी 9 फिट की है, बेस आप इसको जितना बढ़ाना चाहो उतना बेस बढ़ा सकते हो। इस बेस से क्या होता है, सपोर्ट अच्छा होता है, और आपकी हाइट इसकी 9 फिट की है, और बढ़ाना चाहें तो आप इसको थोड़ा और ऊपर करोगे तो थोड़ा बेस नीचे में कम हो जाएगा पर इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो मैं अभी आपको इंस्टॉल करने के लिए नीचे तक लेके आता हूँ इसको, ये आपको क्लियर दिखाई। तो ये मैंने यहाँ कर लिया, इसको अगर चाहो तो आप ऊंचा कर सकते हो, बहुत ऊंचा चला जाएगा ये, तो अभी नहीं लेके जाते, इसको यहाँ करते हैं, इसको भी यहाँ लेके आते हैं। आपको ये मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, क्लिप लगी होती है इसमें फिक्स करने के लिए। तो अभी जैसे आपको दिख नहीं रहा है ना, तो मैं इसको और थोड़ा फ्लैट करने की कोशिश करता हूँ, ये और फ्लैट हो जाए। शायद अब आपको दिख रहा हो, क्योंकि मेरा रूम छोटा है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं थोड़ा इसको पीछे लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को नीचे रख लेता हूँ, यहाँ थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ मैं आपके सामने इस जगह रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये आपको शायद दिखाई देगा। तो ये मैंने बेस यहाँ रख लिया है इसको, तो चाहो तो इसकी आप हाइट बढ़ा सकते हो, अच्छी खासी हाइट है, लेकिन अभी हम छोटे होने की वजह से नीचे तक रखते हैं। तो यहाँ हमने इसको लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी रिंग है और जो मैंने आपको बताया ये बोल्ट, ये जो बोल्ट बताया, इस बोल्ट की मदद से आपको इसको फिक्स करना है, इसको जस्ट फिक्स करना है। इसमें क्लिप लगाई हुई है मैंने, क्योंकि कल मैं कल लेकर आया था जब मैंने इसकी क्लिप लगाई थी, तो आपने ये फिक्स करना है। तो यहां से आपने इसको लगाया, बहुत सॉलिड चीज है, अच्छी चीज है, क्वालिटी वाली है। ऑनलाइन मैं आपके इसके रेट दिखाऊंगा, साइड में आपको दिख जाएगा वीडियो में कि ऑनलाइन भी आप कहाँ से खरीद सकते हो, बट मैं ऑनलाइन आपको प्रिफर नहीं करूँगा, बहुत कॉस्टली है ऑनलाइन। और जहाँ से मैंने लिया है, अगर वहीं से आप ऑनलाइन वाले प्राइस लेना चाहोगे तो आप मेरे हिसाब से 3 या 4
लाइट आ जाएगी, अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि मुझे कितना पड़ेगा, पड़ा होगा। बहुत इजी इंस्टॉल्ड हो जाता है ये, आपने यहाँ इसको फिक्स किया। तो यहाँ आपने इसको, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जो आपको और क्लियर दिखाई दे। रिंग आपको पूरी दिख नहीं रही है, रिंग बट मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, अब आपको दिखाई दे रही होगी रिंग। तो ये रिंग पूरी हो गई। इसको अब जब हम इंस्टॉल करते हैं, प्लग करते हैं, तो प्लग करने के बाद देखते हैं। और वेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना वेट है, तो मैं इसको यहाँ प्लग करता हूँ। और जस्ट रिमोट मैंने इसका लिया हुआ है, तो रिमोट से आप लाइट देख सकते हो। ये इसकी पहली लाइट है, ये इसकी दूसरी लाइट है, ये इसकी तीसरी लाइट है। तीन फीचर्स इसमें आते हैं लाइट के। कम तेज कर सकते हो, ये कम हो गई 20%, देन 50%, आफ्टर देन यू कैन स्विच टू द 100%। ठीक है, लाइट को आप परसेंट के हिसाब से भी डाउन कर सकते हो, और बाय प्रेस द बटन फ्रॉम द रिमोट, इसे भी कर सकते हो। जस्ट ओनली आपको ऐसे कम करनी है, देखो आप कम हो रही है, और बढ़ा भी सकते हो। ऑन ऑफ भी आपके रिमोट में ही है, यहाँ पर ही है ऑन ऑफ, जैसे आप देख पा रहे होंगे। जरा तो ये मैंने ऑफ कर दी, इसको ही मैं प्रेस करूँगा, ये मेरी ऑन हो गई है। ठीक है, ये हमारे स्विच के हैं, 20% वगैरह यहाँ से कर सकते हो यहाँ से। और यही सारे फीचर्स आपको यहाँ टच पे मिलेंगे, आप इस टच से भी कर सकते हो ये। हाँ, एक फीचर्स और ये भी है इसके अंदर, ये ब्लिंक भी करता है, हर कलर में ब्लिंक करता है। पहला ब्लिंक कलर, दूसरा ब्लिंक कलर, तीसरा ब्लिंक। लाइट यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, कम तेज भी कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये और दिखा देता हूँ, इसमें जो ये वाला अटैचमेंट आता है, इसको जस्ट आपको लूज करना है। इसमें लूज करो पहले, इसमें फिक्स किया और इसको यहाँ टाइट कर दिया। ये जस्ट नॉर्मली ऐसे टाइट हो जाएगा, और ये चीज आपको बस यहाँ पर जस्ट लाइक रोटेट करके फिक्स कर देना है, और यहाँ आप अपना फोन को लगा सकते हो। ऐसे ही आप इसको ऊपर भी स्विच कर सकते हो, दैट्स यहाँ पर भी स्विच कर सकते हो। और ये एकदम एकदम फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल ही घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं। तो ये मेरी सब चीज़ थी जो मैं आज कल परचेस करके लेकर आया था। आते हैं मुद्दा जो हमारा आता है प्राइस पे। अगर यही चीज़ आप ऑनलाइन खरीदते हो तो लाइट लाइट आपको पड़ती है करीब 3500 के आसपास, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बट मैं 3500 की नहीं लेकर आया हूँ, बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस में लेकर आया हूँ। लिंक आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं ये ऑफलाइन मैंने लिए। एड्रेस और दुकान का नाम है, मैं आपको प्रीफर कर दूंगा, पैसे भी बता दूंगा, वो लोग कितना बताएंगे और आपको आपको बार्गेनिंग करके कितना प्राइस में लेना है इसको। तो ये जो मुझे पड़ी है 1300 रुपये की लाइट पड़ी है, कंप्लीट 1300 रुपये की। स्टैंड मुझे उसने ज़्यादा का बताया था, ऐसे मुझे स्टैंड पड़ा है करीब, स्टैंड 700-800 को बताया था, बट ये मैंने सार का सारा कॉम्बो लिया है मात्र 1700 रुपये में। हैरान रह गए ना, इसलिए तो कहता हूँ हर माल सस्ता ऑनलाइन नहीं मिलता, ऑफलाइन सस्ता बहुत मिलता है। बस जगह होनी चाहिए बढ़िया, और ढूंढने वाला होना चाहिए बढ़िया। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। एक बार मैं एकदम पास से व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये रिंग हो गई, ये सारे कंट्रोल हो गए, ये स्टैंड हो गया। स्टैंड बहुत हैवी है, जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 5 किलो के आसपास का स्टैंड है ये। चारों साइड से घूम के दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे से दिखा देता हूँ। तो अच्छी क्वालिटी है, आप ले सकते हैं, एड्रेस आपको उसको मिल जाएगा। और बताइएगा
मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।